दिल्ली में तेंदुए की खबर हैरान करने वाली है, लेकिन तस्वीरें हैं। 200 किलोमीटर दूर से टहलते हुए तेंदुआ दिल्ली तक आ पहुंचा और यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में डेरा डाले बैठा है। तेंदुए के आने से जहां पार्क में कुछ लोग खुश हैं, वहीं एक तबका डरा हुआ है, क्योंकि कई इलाकों में पार्क की घेराबंदी ठीक नहीं। रात के सन्नाटे में आराम से सैर करता तेंदुआ आपके बेहद करीब है। बस यूं समझ लीजिए कि दिल्ली वालों ने अपने घर से निकलकर इस पार्क में कदम रखा नहीं कि तेंदुआ महाराज तस्वीरों से साक्षात सामने आ जाएंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि ये रौबेला तेंदुआ दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर कलेसर नेशनल पार्क से चलकर दिल्ली के यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में आ गया है। दिल्ली के पार्क में तेंदुए के आने से देश के जाने माने बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर सी आर बाबू बड़े उत्साहित हैं। With the arrival and residing of a leopard in Yamuna Biodiversity Park Phase 2 substantiates that the ecosystems developed in the biodiversity parks are fully functional with full food chain having 4 trophic levels. उनके लिए मौका खास है क्योंकि 2004 से यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क पर काम शुरू हुआ था और अब यहाँ पर हर तरह की वनस्पति है। पार्क में सैलानी परिंदे भी आते हैं, जंगली खरगोश है, नेवले हैं, कोबरा है, जंगली बिल्ली है, नीलगाय है, अब तेंदुआ भी आ पहुंचा है। लेकिन पार्क के इंचार्ज की पेशानियों पर बल पड़ गए हैं। खौफ भी लाजमी है हमें देखना, इसलिए इसको रेगुलर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज से कैमरा ट्रैप वहाँ पे लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसके मूवमेंट को देखने की। जहाँ भी हमें नज़र आएगा कि इसके मूवमेंट से किसी को परेशानी हो रही है तो जो डिसीज़न इम्पॉर्टेंट होगा, अगर इसको हटाने का भी होगा तो हम उसको लेंगे। तेंदुआ के आने की खबर इलाके के गाँव और शहरी हिस्सों में पहुँच चुकी है। स्थानीय प्रशासन चिंतित है और तेंदुआ पिछले 15 दिनों से यहां तसल्ली से डेरा डाले हुए हैं। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर तेंदुए का आना एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। पिछले 15 दिन से तेंदुआ यहीं पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर वो आराम से रह रहा है और उसको खाने पीने के लिए तमाम चीजें मिल रही हैं। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। दिल्ली के यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में तेंदुआ घुसा तो दूसरी ओर यूपी के पीलीभीत में भी एक बाघ की वजह से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोबा वन क्षेत्र से निकलकर रिहायशी इलाकों में जा घुसा है और देखते ही देखते वो एक घर में घुसकर बैठ गया है। घर में बाघ को देखकर घर वालों के होश उड़ गए हैं, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मल्लपुर खजूरिया गांव में सुबह 7 बजे से बाघ घुस गया। तुरंत लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी, तभी से उसे पकड़ने की कोशिश जारी। अभी तक वन विभाग कर्मचारियों को कामयाबी नहीं मिली।